निगम अध्यक्ष रिंकू विज एवं सांसद राकेश सिंह ने किया कार्यालय का उद्घाटन। आज दिनांक जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने किया नगर निगम अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन, जिसमें मुख्य अतिथि जबलपुर सांसद एवं लोकसभा सचेतक राकेश सिंह उपस्थित रहे एवं पूर्व मंत्री हरेंद्रजीत सिंह, बब्बू पार्षद कमलेश अग्रवाल पार्षद, महेश राजपूत, अमरीश मिश्रा और एवं नगर के पार्षद गण उपस्थित रहे। सांसद राकेश सिंह ने बताया, विधिवत पूजन अर्चन के उपरांत नगर निगम अध्यक्ष भाई रिंकू विज ने निगम सभापति का पदभार ग्रहण किया। आज से नगर निगम कार्यालय में बैठकर निगम की कार्यवाही संचालित करेंगे और शहर में रुके हुए विकास के कार्यों की मॉनिटरिंग करके सही दिशा में शहर का सतत विकास करेंगे। निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने बताया, आज निगम अध्यक्ष कार्यालय का उद्घाटन हुआ जिसमें सांसद राकेश सिंह उपस्थित थे और मुझे जबलपुर शहर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मैं पूरी तत्परता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। हम सभी को शहर की जनता ने चुन कर भेजा है और महापौर जी के साथ, अन्य पार्षदों के साथ एवं बीजेपी के पार्षदों के साथ हम सभी मिलकर एक सामंजस्य बनाएंगे और शहर का सही दिशा में विकास कर जबलपुर को स्वच्छ एवं शानदार महानगर बनाएंगे। हम संकल्पित हैं। श्री रिंकू विज जी ने भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार विधिवत पूजन अर्चन के उपरांत सभापति नगर निगम का पदभार ग्रहण किया है। आज से यहाँ बैठकर वो नगर निगम की न केवल कार्यवाही संचालित करेंगे बल्कि उसके साथ साथ शहर में जो विकास के कार्य हैं उनकी भी समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए जबलपुर का विकास तीव्र गति से उसको भी सुनिश्चित करेंगे। रिंकू विज जी स्वयं में भी एक अत्यंत अनुशासित संयमित व्यक्ति हैं और हम सभी को भरोसा है कि उनके नेतृत्व में नगर निगम अत्यंत मर्यादित और व्यवस्थित तरीके से चलेगा। यह निश्चित रूप से हम सब मिलके पूरे सदन में जितने भी लोग रहेंगे, माननीय महापौर जी, हम सभी मिलके शहर के विकास के लिए काम करने के लिए आए हैं और मेरा दायित्व ये रहेगा कि मैं सामंजस्य बना के शहर का विकास करवाऊँ और जो भी काम हमारे पूर्व महापौरों के द्वारा कराए गए हैं उनको आगे बढ़ाने का हम सभी काम करेंगे। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो, सांसद जी के द्वारा एक शानदार फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, तो निश्चित रूप से कोई निर्माण होता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की रोड जो होंगी उनको शीघ्र बनाने का काम हम सभी करेंगे। नर्मदा जी में किसी भी गंदे नाली का पानी ना जाए, इसके लिए महापौर जी ने भी संकल्प लिया, हम सभी का संकल्प है कि नहीं जाना चाहिए, उसके लिए काम करेंगे। जल प्लावन ना हो इसके लिए पूरा काम करेंगे कि भविष्य में कभी ऐसी बारिश होती है अगले साल तो जल प्लावन ना हो और साथ ही साथ आने वाले गर्मी में जल संकट ना रहे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमृत 2 के तहत काफ़ी बड़ी राशि आ रही है, हम सभी प्रयास करेंगे कि पूरे शहर में जो भी नए वार्ड जुड़े हैं ग्राम पंचायतों के, हर जगह पे पानी की टंकियों का निर्माण हो और सप्लाई पानी की। जबलपुर से अपडेट मीडिया के लिए नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।